साहब, कुछ हुआ है क्या आपके हाथ में? ये अभी कहाँ गया? कहीं ओपीडी के बहाने किसी सर्जरी में तो नहीं लग गया? किसी को गाइड करने, किसी को सुपरवाइज करने? वो कहोले कहेगा, वो भी और आरू भी, उस मैडम के पास तो मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन सुनने का टाइम ही नहीं है। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी यार, पहले अभी को तो देख लो, पता नहीं कहाँ चला गया। फोन भी केबिन में छोड़ दिया उसने, पक्का तवाली ना भी भूल गया होगा। टॉकमैन कहेगा, मिले तो वो तो दे दूं। ये बस हल्का सा दर्द है इसलिए। सो एक्चुअली मैंने तो पहले ही कहा था, पेन को इग्नोर नहीं कर सकते। इट्स ओके, अभी भी देर नहीं हुई है। क्या ना कि सर, आपके प्रोफेशन में सर पैर नाक कान का पेन इग्नोर किया जा सकता है, मगर हाथ का नहीं। एक सर्जन के लिए हाथ उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक सिंगर के लिए आवाज या एथलीट के लिए पैर। आपने डॉक्टर अभिमन्यु को कहीं देखा है? जी मैम, एमआरआई रूम की तरफ गए हैं। थैंक यू। ऐसे कुछ सीरियस नहीं होगा, इट्स जस्ट दैट I want to be sure. कुछ होगा नहीं, कुछ होगा भी तो सर देख लेंगे। Nothing to worry about. सर इसमें आप वॉच और रिंग्स उतार के रख दीजिए। सर ये ट्रे को मैं यहीं पे रखता हूँ ताकि आप जाने के टाइम से यहाँ से ले सकें। सर मैं एक राउंड लगा के आता हूँ वार्ड में। सर अंदर है मगर बिजी हूँ कंसल्टेशन में। आपको कुछ काम था? हाँ, मुझे ये दवाई देनी थी उसे, तुम दे दोगे? हाँ मैं दे दूंगा। सॉरी मैम, सर ने कहा था किसी को कुछ नहीं बताना। मैंने तो पहले ही कहा था पेन को इग्नोर नहीं कर सकते। कि एक सर्जन के लिए हाथ उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक सिंगर के लिए आवाज या एथलीट के लिए पैर। लंच करें? हाँ हाँ, क्या लाई हो तुम मेरे लिए? तुम्हारे लिए तुम्हारा भी घास फूस और मेरे लिए खाना। अच्छा। लो, चलो, आई मीन खाओ। अच्छा। थैंक यू। अभी तुम्हारी रिंग्स कहाँ हैं? अभी तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग कहाँ है? लगता है जल्दी में गिर गई कहीं। हेलो, कहाँ गिर गई? बाथरूम में गिरी है कि ओटी के बाहर छोड़ दिया? ओटी के बाहर।
उठी के बाहर कैसे छोड़ो, तुम्हारी कौन सी सर्जरी थी आज? जासूस सर्जरी नहीं तो क्या हुआ? ओटी गया था किसी को मॉनिटर करने के लिए। अब मिल तो जाएगी ना? अपना ही हॉस्पिटल, अपनी चीजें नहीं घूमेंगी। अगर कहीं छूटा होगा, गिरा होगा तो किसी न किसी को तो मिल ही जाएगा, जाके देखता हूँ। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि रिंग नहीं मिली तो अक्षु कैसे रिएक्ट करेगी, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। और ये जो तुम पत्ते खा रहे हो ना, बिल्कुल इसी तरह तुम्हें मैं कच्चा चबा जाऊंगा। मेरी कोई भी चीज तुमसे अलग कभी भी नहीं होनी चाहिए, समझे? तो नहीं होंगी कभी, ना कभी तुम्हारी कोई चीज, ना तुम। ओके। तो खाओ। अक्षु, मेरे राउंड पे जाने का टाइम हो गया, मैं चलता हूं। और थैंक यू। मैम, डॉक्टर अभिमन्यु सर। वो अभी अभी राउंड के लिए गए, क्यों, कुछ काम था? हाँ, उनकी ये रिंग देनी थी। ये आपको कहाँ मिली? ओटी के बाहर? नहीं मैम, एमआरआई रूम के अंदर। वो एक्चुअली टेस्ट करवाने से पहले उन्होंने निकाली होगी ना, तो वहीं गिर गई होगी। आप प्लीज उन्हें दे देंगी? थैंक यू मैम। अभी ने एमआरआई करवाया, बताया क्यों नहीं उसने? खड़ी भी नहीं। कब से फोन कर रहा हूँ, रिपोर्ट आई? सर, रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। कब तक आई? मैं एक बार। सर सर, डॉक्टर अभिमन्यु, वो विहान रूम नंबर 34 कन्वर्जन हो रहा है इसको। व्हाट? कैसे? मैं अभी तो देख कर आया था उसे। ध्यान 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 ध्यान, आराम से। हुआ क्या है मेरे बच्चे का डॉक्टर? कोई कुछ बताता क्यों नहीं? प्लीज बाहर चलिए। देखिए, डॉक्टर अभिमन्यु आ गए हैं ना, वो सब संभाल लेंगे। डॉक्टर अभिमन्यु तो पहले ही इसके डॉक्टर थे, फिर इसकी ये हालत हुई कैसे? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, तो मैं इस हॉस्पिटल को छोड़ूंगा नहीं। व्यान, व्यान, अरे अच्छा, व्यान, छोड़ के गया था उसे, व्यान, look at me, फिर अचानक क्या हो गया? व्यान, look at me. व्यान, 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 everything will be fine. Everything will be fine. व्यान, व्यान, listen to me. ये बिहान की फाइल है, आप एक बार फाइल चेक कर लीजिए और उसे इंजेक्शन दे दीजिए। ये वाला दे दें। आप एक और बार डॉक्टर अभिमन्यु से कंफर्म कर लो ना प्लीज। ओह गॉड, लगता है मैंने गलत इंजेक्शन दे दिया। सिस्टर ने पूछा भी था मुझसे, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया? आखिर हो क्या रहा है, कोई बताएगा प्लीज? मेरा बच्चा। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा नाम, और ऐसे काम। मुझे नहीं कराना है इस डॉक्टर से अपने बच्चे का इलाज। निकालो इसे बाहर। मुझे प्रमोशन मिल गई है। मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। क्यों? अरे तुझे गले से लगाकर कांग्रेचुलेशंस बोलने के लिए। ओ वाह, मेरे फ्रेंड्स ने इस गुड न्यूज की स्टोरी डाली है। अब आरु क्या करिए, दोनों को चोट लग जाती है। अभी क्या हुआ, तुम ठीक है? टेंशन में दिख रहे आरु। सिस्टर,
जल्दी से ये इंजेक्शन स्टोर से लेकर आओ, डॉक्टर अभिमन्यु के पेशेंट की हालत बहुत खराब है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।